नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सरायकेला को मिली 1.83 करोड़ की योजनाओं की सौगात, मंत्री चंपाई सोरेन ने किया योजनाओं का शिलान्यास। शहर के अलग अलग सड़क दुर्घटना में दो घायल, दोनों घायलों की स्थिति गंभीर। शेखपुरा एसीबी का सरायकेला के ईचा चलियाम स्वर्ण रेखा परियोजना में छापा, 25,000 रुपए घूस लेते कैशियर गिरफ्तार। केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा नए अंदाज में आए नजर, शाम के भक्ति में लीन भजन को खुद गाया, चौपाइया भी की पेश। खबरें अब विस्तार से। सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र को मंत्री चंपाई सोरेन ने 1.83 करोड़ रुपए की लागत से 15 योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि सिर्फ कथनी नहीं करनी में विश्वास रखती है हेमंत सरकार। सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में राज्य के परिवहन सह आदिवासी कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन ने नगर पंचायत क्षेत्र के लिए कुल 1.83 करोड़ की लागत से कुल 15 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस बाबत सरायकेला टाउन हॉल में आयोजित शिलान्यास समारोह में बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार सिर्फ कथनी नहीं करने में विश्वास रखती है। लगातार कोरोना से महामारी आपदा से राज्यवासियों की सुरक्षा करते हुए विकास की धारा बहाने का कार्य हेमंत सरकार द्वारा किया जा रहा है। जितने रोजगार से लेकर सभी जन कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंच रही है, आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम बेहद ही सफलता के साथ जनहित में संपन्न हुआ है। समारोह को संबोधित करते हुए उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र को एक विशेष पहचान के रूप में स्थापित करने की पहल की जा रही है, जिसके तहत 15 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा अन्य 12 योजनाओं की निविदा निकाली गई है, इसकी प्रक्रिया पूरी होते ही उसकी भी शिलान्यास किया जाएगा। उधर सरायकेला खरसवा के सदर अस्पताल में 93 लाख की लागत से 2 बड़े लिफ्ट और 6 बेडों अत्याधुनिक आईसीयू का शिलान्यास किया गया। आज सरायकेला को नव वर्ष की सौगातों के रूप में जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में भी सौगात का दिन रहा। इसके तहत सरायकेला स्थित सदर अस्पताल में राज्य के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन द्वारा 6 बेडों वाले विश्व स्तरीय आईसीयू वार्ड का शिलान्यास किया गया। बताया गया कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के सीएसआर फंड से 38 लाख की लागत से 1 महीने में उक्त आईसीयू वार्ड जिले वासियों के लिए बनकर तैयार हो जाएगी। इसी क्रम में सदर अस्पताल में ही मंत्री चंपाई सोरेन द्वारा 55 लाख की लागत से 2 बड़े लिफ्ट के निर्माण का शिलान्यास भी किया गया। मरीजों को ऊपर तल्ले में जो महिला होती है, गर्भवती होती है, उनके जाने में तकलीफ होती थी, तो उसको दूर करते हुए आज 55 लाख के लागत से 2 बड़े बहुत लिफ्ट यहाँ के आवश्यकता अनुसार अभी शिलान्यास कार्यक्रम हुआ है। इसी के साथ साथ इस जिला में एक आईसीयू जो अच्छा जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का आईसीयू बनाने के लिए एक योजना बनाई गई थी, इसको राशि के लिए अरेंजमेंट करने में कोई समस्या हो रहा था, तो सीएसआर फंड के माध्यम से माननीय मंत्री के उनके निर्देशानुसार केल जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड उनके सौजन्य से जिला प्रशासन ने यहाँ के सदर हॉस्पिटल में 6 बेड के आईसीयू की व्यवस्था के लिए भी अभी योजना का शिलान्यास करवाया है। इधर बिष्टुपुर स्थित पीएम मॉल के समीप अनियंत्रित 407 गाड़ी की चपेट में आकर स्कूटी सवार युवक बुरी तरह घायल हो गया। मुख्य सड़क पर खून का धब्बा पसरा रहा। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए टीएमएस में भर्ती कराया। 407 गाड़ी जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार हुआ। बिष्टुपुर स्थित पीएम मॉल के समीप अनियंत्रित 407 गाड़ी ने स्कूटी पर सवार युवक को बुरी तरह से रौंद दिया। गंभीर स्थिति में घायल युवक को इलाज के लिए टीएमएस में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 407 गाड़ी को जब्त कर चालक को अपने हिरासत में ले लिया है। गाड़ी है 407, उन्होंने मारकर मार दिया। फिर मरने के बाद हम ड्राइवर को अपने कब्जे में लेकर थाने पहुंचा दिए। पता चला है कहां के थे, कहां जा रहे थे? उनके साथ एक परिजन थे, उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई। तो फिलहाल इलाज के लिए कहाँ भेजे? हॉस्पिटल। पता नहीं
चला कौन एरिया के थे? नहीं, अभी हम लोग तहकीकात गाड़ी उड़ी और ड्राइवर को लेकर उसके बाद कुछ बात नहीं हो पाया। यहाँ पर तो आगे स्कूटी जा रहा था, पीछे से एलपीडीएल है, वो टाटा मोटर्स का गाड़ी था, सामान लोड था उसमें, और वो पीछे से यहाँ से ठोकते हुए यहाँ रगड़ दिया और यहाँ पर बहुत जोर चोट लग गया उनको, सर पे बहुत ज़्यादा गहरा चोट लगा, जिसके कारण हमको लमसम लगता है वो यहीं डेड कर गए। फिर भी हम लोग प्रयास किए उनको हॉस्पिटल भेजाने का, प्रशासन भी भेजा, हम लोग तो बोले जाइए हॉस्पिटल लेके जाइए, लेकिन प्रशासन से और जो भी टाटा कंपनी से ही हम लोग थोड़ा एक विनती करते हैं, कम से कम यहाँ पर अच्छा बम्फर उधर दोनों चारों तरफ इधर होना चाहिए। बम्फर बनने से क्या है ना कि इतना ज्यादा केसेस नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। और वही जमशेदपुर में इन दिनों चोरों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। ताजा मामला परसोडी थाना अंतर्गत खास महल मेन रोड का है, जहां सरकारी विदेशी शराब दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाकर 50 से 60 हजार रुपए नगद पर अपना हाथ साफ कर लिया। रात के वक्त शराब दुकान के विक्रेता दिनेश प्रसाद दुकान बढ़ाकर चले गए। सुबह जब वे दुकान खोलने आए तो उन्होंने देखा कि दुकान के छत का छज्जा काटकर चोर दुकान के अंदर प्रवेश कर दुकान में रखे 50 से 60 हजार नगद पर हाथ साफ कर लिया। इतना ही नहीं, चोरों द्वारा दुकान के अंदर बैठकर शराब का सेवन भी किया गया। वहीं जानकारी देते हुए विक्रेता दिनेश प्रसाद ने बताया कि इस संबंध में पुलिस को लिखित शिकायत की गई है, जहां पुलिस द्वारा जांच भी किया गया। उन्होंने बताया कि दुकान के छत को काटकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। उसके बाद सुबह का दुकान खोलते थे, छज्जा फटा हुआ था। क्या कुछ चोरी हुई है? आज कैश लेकर चला गया, रात में दारू पिया है। दुकान के अंदर दारू भी पिया गया है। कैश कितने की चोरी हुई है? 50-60 लाख का। और कुछ सामान, दारू वगैरह, शराब वगैरह भी? शराब वगैरह नहीं। क्या लगता है कितने बजे की घटना होगी? पुलिस 2 से 4 के बीच में। आपने शिकायत कर दी है थाने में? पुलिस आई थी? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सिंचाई विभाग के रोकड़पाड़ सोखाराम गोराई को एसीबी की टीम ने 25,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि खरकाल बांध प्रमंडल से सेवानिवृत्त होने वाले चंद्र मोहन देवगन पेंशन और ग्रेजुटी की राशि पाने के लिए पिछले 6 महीने से कैशियर सुखराम गोराई से मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन यह काम करने के लिए कैशियर उससे 30,000 रिश्वत देने की पेशकश की थी, जबकि चंद्र मोहन 30 अप्रैल 2021 को ही रिटायर हो गए थे और वह रिश्वत की रकम नहीं देना चाह रहे थे। वैसे में उन्होंने एसीबी की शरण ली। एसीबी ने उनकी शिकायत सुनकर मामले की जांच की और मामले को सही पाया। उसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर शुक्रवार को सुखराम गोराई को धर दबोचा। बताया जाता है कि उसे गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम जमशेदपुर एसीबी थाने में लाकर उनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही आपको बता दें, केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा नए अंदाज में नजर आए। श्याम की भक्ति में लीन भजन को खुद गाया, चौपाइयां भी पेश की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा नए अंदाज में नजर आए हैं। केंद्रीय मंत्री ने एक अपना वीडियो साझा किया है, जिसमें वे भगवान श्री कृष्ण की चौपाइयां बोलते हुए और भजन गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया है, जबकि उनके काफी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं और चाहने वाले लोगों ने इसको शेयर किया है, जिसके बाद यह वीडियो वायरल हो चुका है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हाल के दिनों में अपने प्रोफाइल में काफी बदलाव किया है और अध्यात्म की भी राह पकड़ी है। यही वजह है कि लगातार वे सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण श्याम भक्ति के प्रति अपनी आस्था को भी दिखाया है। केंद्रीय मंत्री ने यहाँ चौपाइयों को भी उसी पारंपरिक तरीके से पेश किया है, जिस तरह पेश किया जाता है। यही वजह है कि वे आज लोकप्रिय होते नजर आ रहे हैं। इसको देखने वालों की भी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। जिन नैनन में पिया बसे। किसान आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली शहर की बहू जेबा खान के शहर आगमन पर उनका भव्य स्वागत हुआ। कहा, कृषि कानून बिल वापस होना आम जनता की जीत है। किसान आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली शहर की बहू जेवा खान का शहर आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया।
जेवा खान ने कहा, कृषि कानून बिल वापस होना आम जनता की जीत है। जयपुर में मेरा यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि ये जो हमने जंग फतह की है, एक तरफ से जंग ही था इस तीनों काले कानून के खिलाफ, तो मैं पूरे देश की जनता का शुक्रिया अदा करती हूँ, जयपुर की जनता का शुक्रिया अदा करती हूँ, पंजाब की जनता का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस जंग को जीतने के बाद हमें जिस तरह का मान सम्मान मिला, तहे दिल से सभी का शुक्रिया। और मैं देशवासियों को यहाँ से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि एकता में ही, एकता की वजह से ये हमारी जीत हुई है। तो सरकारों का काम है, सत्ता में बैठे हुए मनुवादियों का काम है डिवाइड एंड रूल, लेकिन हमें समझ के चलना है कि हमारा किसमें फायदा है। देशवासियों को एकता बनाए रखना है, अखंडता रखना है, क्योंकि सिर्फ एकता की ही शक्ति की वजह से हम ये जंग जीते हैं। मैं पंजाब का खासकर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस समय जो तानाशाह सरकार चरम पर थी और हर जगह गुंडागर्दी कर रही थी, ऐसे में पंजाब ने अपने जो भी महापुरुषों के रास्ते पर चलते हुए देश की अगुवाई की और देश को जीत दिलाई। इस और इसके साथ ही मैं सभी देशवासियों को ये कहना चाहती हूँ, मनुवादियों के किसी भी साजिश में ना पड़े, साजिशों को समझे और आपसी प्यार और सौहार्द को बनाए रखे। इधर जमशेदपुर के बोड़ाम थाना क्षेत्र के बोड़ाम मुख्य पथ पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। बताया जा रहा है कि खड़े डाला गाड़ी में एक ओमनी गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दिया, जिसमें ओमनी गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं इस दुर्घटना में एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस के माध्यम से उसे हॉस्पिटल भिजवाया गया है। इधर पटमदा प्रखंड के बीडीओ पीयूषा शालिना डोना मिंज ने कहा कि कोरोना टीका के प्रति ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजाना जागरूक किया जा रहा है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा टीका दिया जा सके। बताया जा रहा है कि अब तक पटमदा प्रखंड में 57,800 लोगों को कोरोना का पहला डोज दिया जा चुका है। वहीं 46,600 लोगों को अब तक डोज दिया गया है। अब तक जारी है आदि कई बातें कही गई। क्षेत्र में अभी तक फर्स्ट डोज जो है वो 57,846 अभी कवर हो चुका है, और अभी द्वितीय डोज में हमने 46,684 लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। इसके साथ साथ जो अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लिए हैं उनको जागरूक किया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि वैक्सीन उनकी सुरक्षा के लिए है। और साथ ही अभी हमने बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है, जिसमें 15 प्लस से 18 साल के बच्चों के लिए हमने स्कूल्स को वैक्सीनेशन साइट बना करके उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं। लोगों में क्या फीलिंग अभी, क्योंकि कोरोना का जैसे कोविड का केसेस बढ़ रहा है, तो लोग और भी जागरूक हो रहे हैं कि वैक्सीन से ही उनको सुरक्षा मिल सकती है, और काफी लोग अभी आ रहे हैं और वैक्सीन ले रहे हैं। बिरसा नगर जोन नंबर 3 भाजपा कार्यालय पर मंडल अध्यक्ष बबलू, सांसद विद्युत वरण महतो ने जरूरतमंद बुजुर्गों के बीच कंबल वितरण किया, जहां लगभग 300 से 400 की संख्या में कंबल वितरण किया गया। पूरे बिरसा नगर में इसी तरह का कार्यक्रम चलते रहेगा। भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा सभी जगह में बुजुर्गों को कंबल वितरण किया गया और साथ ही मास्क वितरण भी किए गए, जिसमें कोरोना वायरस को देखते हुए सभी को कोरोना से बचाव के लिए मास्क वितरण और कंबल वितरण का आयोजन किया गया। तमाम बिरसा नगर क्षेत्र में सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। साथ ही विद्युत वरण महतो भी यहां के बिरसा नगर के वासियों को कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ताकि इस शहर में महामारी खत्म हो जाए। हमारे बिरसा नगर मंडल की ओर से कंबल वितरण का आयोजन किया, और ठंड बढ़ रही है, ठंड को देखते हुए जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण यहाँ के मंडल के वरीय पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष। और वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जेएनएससी की ओर से ऑटो चालकों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। जेएनएससी के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार के नेतृत्व में ऑटो चालकों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया एवं कोरोना से बचाव के लिए ऑटो चालकों को जागरूक किया गया। आज ऑटो चालकों के बीच में आकर के हम लोग मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किए हैं, और ये वितरण इसलिए किया गया है ताकि ओमिक्रॉन के खतरा से बचा जा सके। जो ओमिक्रॉन का तीव्र जो संक्रमण का दर है वो काफ़ी अधिक है, तो इसको लेकर के जो ऑटो चालक काफ़ी खतरा में रहते हैं, और इस खतरा को देखते हुए हम लोग इनके बीच आकर के मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किए हैं, ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित रख सके और पैसेंजर को भी सुरक्षित रख सके। मेरा नाम हो गया कौनान अहमद कुल्लू, साक्षी गोलमुरी टेम्पू स्टैंड के संचालक हूँ मैं।
और जेएनएससी की टीम आई थी, सैनिटाइजर बांटी है और मास्क बांटी है, और पैसेंजर और ड्राइवर को दोनों को बोला गया है कि दूरी बना के काम करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, पैसेंजर का आप ख्याल रखें, पैसेंजर आपका ख्याल रखें, और हम भी अपना चालक से बैठ के बात करेंगे कि आप लोग सुरक्षा, अपना जान को भी बचाइए और जनता का जान को भी बचाइए। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब आप अपने ख्वाबों के घर को सजाइए एवं वुड आर्ट के फर्नीचर से। अगर आप भी अपने घर को देना चाहते हैं बेहतरीन लुक, तो जरूर आए एवं वुड आर्ट में। एक से बढ़कर एक फर्नीचर, नए और आकर्षक डिजाइन के साथ सिर्फ एवं वुड आर्ट में। यहाँ सस्ते और कम मूल्यों में एक से बढ़कर एक फर्नीचर उपलब्ध है, जो आपके घर को देंगे आधुनिक लुक। जमशेदपुर के आजाद नगर मानगो में फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम एवन वुड आर्ट, जो आपको देता है हर फर्नीचर पर 100% गारंटी। हमारे यहाँ उपलब्ध है सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, पलंग, ड्रेसिंग आईना, सेंटर टेबल के साथ अन्य तरह के हर फर्नीचर, वो भी 10% छूट के साथ। अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध है आपके घर को सजाने का हर सामान। हमारा पता एवन वुड आर्ट, प्रोपराइटर हाजी एमडी शमशुद्दीन, ऑपोजिट रोड नंबर 13, ओल्ड पुरुलिया रोड, जाकिर नगर वेस्ट मानगो। हमारा ब्रांच चेपापुल नियर अक्का गार्डन मानगो जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7997998059 और 9433177748। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे कैटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफायती और लजीज चाइनीज व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ। इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना,
मानगो जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956158। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। दाईगुट्टो स्थित हरिजन बस्ती में नई दिशा नई सोच संस्था की ओर से निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। दाईगुट्टो हरिजन बस्ती स्थित पंडित दामोदर पाठक मेमोरियल प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में नई दिशा नई सोच संस्था की ओर से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मरीजों के बीच दवा का भी वितरण किया गया। पहला कैंप तो हमने ओल्ड पुरलिया रोड चाणकपुरी कॉलोनी में लगाया था। वहाँ के जो सिचुएशन था, जो गरीबों का जो आँख का इलाज का जो दिक्कत आ रहा था, माननीय बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देशानुसार आज हमने फिर दूसरा दिन, आज 8 तारीख शनिवार के दिन दीपाशाही हरिजन बस्ती दामोदर पाठक के मेमोरियल स्कूल में आई कैंप हमने लगवाया है। 13 सूत्री मांगों को लेकर CPIML का प्रतिनिधि मंडल SDO से मिला। राज्य के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर राज्य स्तरीय जनता आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पार्टी के जिला कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री के नाम SDO को ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम का नेतृत्व कामरेड सईद अहमद, JP सिंह, गीता झा, विश्वजीत देव, मीणू भट्टाचार्य समेत अन्य ने किया। सरकार के द्वार जनता के करीब कार्य, हमारी मांगे जायज है, जायज मांग हम लड़के लेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि पिछले कई दिनों से हम लोग जानते हैं, आप लोग भी देखे हैं कि झारखंड सरकार आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाए, लेकिन उसके तहत हम देखे कई पुराना लंबित मांग हमारा आम जनता के पूरा राज्यभर में ना तो उसका निष्पादन हुआ और अधूरा हमारा जो आवेदन पत्र का जो करना था वो अधूरा रह गया। इसलिए फिर से हमने 5 जनवरी से 10 जनवरी तक पूरे राज्य में ब्लॉक स्तर पर और अनुमंडल स्तर पर जनता आपके द्वार माने सरकार के द्वार पर जनता अपनी मांगों को लेकर आ रहा है और हर ब्लॉक और हर अनुमंडल में जो जो ज्वलंत जनता का मुद्दा है, जिसमें हमारे यहाँ विस्थापन भी एक ज्वलंत मुद्दा है। मनरेगा में कार्य दिवस नहीं बढ़ाया जा रहा है, उसका भुगतान भी नहीं हो रहा है, धान क्रय का विलंबित भुगतान हो रहा है, साथ साथ में हमारा यहाँ जो वृद्धावस्था पेंशन है, दूसरा कोई भी सुरक्षा योजना है, सामाजिक सुरक्षा है, उसमें आवेदन का प्रयास जो है तरीका जो है बहुत दुर्गम है, उसको सुगमता के लिए हम अपील कर रहे हैं। आज किससे मिलने के लिए? आज हम अनुमंडल पदाधिकारी के साथ मिल करके अपने मांगों को रखेंगे ताकि मुख्यमंत्री जी के पास भी ये अपील रखा जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विश्वजीत देव है, हम जिला कमेटी सदस्य हैं, हमारे साथ बाकी जिला कमेटी के सदस्य। उधर शिक्षक ने कहा स्कूल में रैंप सीढ़ी नहीं बना और ठेकेदार आधा अधूरा काम छोड़कर भाग गया। शिक्षक ने कई जगह लिखित शिकायत की है। प्रधान शिक्षक रवि नरेश प्रसाद ने कहा कि पाथरडीह प्राथमिक विद्यालय पटमदा में नए भवन का निर्माण किया गया, लेकिन अब तक रैंप सीढ़ी दीवार लेखन पूर्ण नहीं किया गया। इतना ही नहीं, विद्यालय भवन में विभागीय तय के अनुसार रंगाई भी नहीं किया गया। इस मामले को लेकर हमने शिक्षा विभाग को लिखित और मौखिक शिकायत कई बार किया है। वहीं ठेकेदार ने आधा अधूरा काम छोड़कर भागा है। इस मामले पर उचित जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। विद्यालय भवन का जो नक्शा उपलब्ध कराया गया था, नक्शा के अनुसार आज तक विद्यालय भवन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, जबकि मेरे पास और कोई अतिरिक्त कक्ष नहीं है कि हम विद्यालय चलाएं या विभागीय कार्यों का निष्पादन कर सकें। विद्यालय भवन यहाँ पे जो जर्जर भवन था उसको तोड़कर बनाया जा रहा है। विद्यालय भवन को खाली करके तोड़ करके 19 दिसंबर 2019 से काम शुरू है। आज इतने दिन के बाद कोरोना के कारण या जो भी समस्या है, विभाग को बार बार पत्राचार भी किया जा रहा, लेकिन भवन का निर्माण आज तक पूर्ण नहीं हुआ है। संवेदक द्वारा और NERP विभाग द्वारा कई बार मुझे अधिग्रहण करने के लिए दबाव दिया गया, लेकिन काम पुरानी होने के कारण हम अभी तक अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं, लेकिन कार्यों का निष्पादन करने में भवन नहीं रहने से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। क्या काम अधूरा है सर? अभी इसमें रैंप नहीं लगा है, स्टेप के लिए जो स्टेप बनाना था, दो स्टेप बनाना था, दो रैंप बनाना था, नहीं है। विद्यालय का रंग देख रहे हैं, जो हमारा शिक्षा विभाग का नियमाकुल जो है नियमानुसार इसका रंग रोहन भी नहीं हुआ है, और उस साइड दूसरे भवन ऊंचे स्थान पर किया गया है, और दूसरे रसोई घर और शौचालय जाने के लिए जो बच्चों को स्टेप की ज़रूरत है,
अगर स्टेप नहीं बनेगा तो बच्चा रोज गिरेगा, पैर हाथ टूटेंगे, तो फिर विद्यालय को परेशानी होगा। और वही सरायकेला खरसवा जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के लेटेमदा पंचायत भवन में शीतल वाटिका किसान सहायता फाउंडेशन के सौजन्य से किसानों को जैविक खेती के बारे जागरूक किया गया। शीतल वाटिका फाउंडेशन व किसान मित्रों द्वारा रासायनिक खाद्य को हटाने व जैविक खेती अपनाने के लिए किसानों को जानकारी दिया। किसानों को जैविक किसान कार्ड के फायदे, जैविक खेती के फायदे, जैविक खाद्य बनाने का तरीका आदि के संबंध में जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। किसानों को जैविक खेती के प्रति प्रोत्साहित करने व सरकार द्वारा दिए जा रहे सुविधाओं के संबंध में बताया गया। जहर मुक्त खेती, रोग मुक्त खेती, हर हाथ को रोजगार विषय पर शीतल वाटिका के निर्देश MD फिरोज खान ने किसानों को जानकारी दिया। वहीं MD खान ने बताया कि शीतल वाटिका किसान सहायता फाउंडेशन और कृषि विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को जैविक खाद्य के संबंध में जानकारी दिया गया और किसानों को जैविक खेती अपनाने का अपील किया गया। उन्होंने कहा कि अधिकांश रोगों का कारण रासायनिक खेती का अनाज से हो रहा है। सरकार स्वास्थ्य भारत निर्माण के लिए किसानों को जैविक खाद्य का खेती पर जोर दे रही है। कहा कि जैविक क्रांति से ही शांति स्थापित हो सकता है। आगे रणनीति यही है कि हर गांव में, हर पंचायत में, हर वार्ड में मैं जाऊंगा और लोगों को जागरूक करूंगा। जब तक हमारे अंदर जान है तब तक हम अपनी पूरी जान जैविक खेती के ऊपर निछावर करूंगा। आज तो करीब 250 से ऊपर लोग इस पंचायत भवन में मौजूद थे और मैं देखा हूँ कि किसानों में इतनी जागरूकता मैंने किसी गांव में नहीं देखा, जो सभी लोग मिलके और बढ़ चढ़ करके जैविक खेती करने को तैयार हो गए। इधर सरायकेला खरसवा जिला के ईचागढ़ प्रखंड के पाटपुर मैदान में शनिवार को किसान विकास परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता माना माझी ने की। बैठक में युवा किसानों का खेती से मोह भंग पर चिंता जताई गई। बैठक के माध्यम से ग्रामीण युवा किसानों को किसानी खेती के प्रति जागरूक किया गया। परिषद के सदस्यों ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश होने के नाते किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को नीति बनाने का भी मांग पर चर्चा किया गया है। वहीं 2-3 अप्रैल को चांडिल में जिला सम्मेलन करने पर भी मंथन किया गया। किसानों के बेटे खेत खलिहानों से दूरी बनाने के विषय पर मंथन जी व अंबिका यादव ने युवा वर्ग को अन्य कामों के साथ खेती कर देश और खेत के प्रति सद्भावना पैदा करने पर विस्तृत जानकारी दिया। वहीं किसान विकास परिषद के कुमार चंद्र मार्डी ने बताया कि युवा किसानों का कृषि के प्रति भटकाव हो रहा है। युवा पीढ़ी खेती किसानी छोड़ शहरों में मजदूरी करना पसंद कर रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। उन्होंने कहा पूरे कोल्हान में युवा पीढ़ी के किसानों को खेती के प्रति जागरूक किया जाएगा। कहा कि पूरे देश में झारखंड किसान परिषद किसानों के हर आंदोलन के साथ है। मौके पर अरुण गोप, गुरुवा मांझी, डोमन बास्के, रविंद्रनाथ मुंडा, कुनार खम्ख सोरेन आदि किसान नेता उपस्थित थे। खेती पर लोगों का घटते जा रहा है, उस पर नए नौजवानों, नए जो युवा पीढ़ियों को भी इस किसान की खेती के ऊपर में ध्यान आकर्षित किया गया और जो बेरोजगार युवक है, जो पढ़े लिखे नौजवान है, वो पढ़ाई के साथ साथ किसानी खेती के लिए भी उनको काम करना पड़ेगा। उधर जुगसलाई थाना अंतर्गत पार्वती घाट में शव के अंतिम संस्कार को लेकर बवाल हुआ। 65 वर्षीय रामजी प्रसाद के शव के अंतिम संस्कार को उनके पुत्र ने जहानाबाद से आकर शमशान घाट में अंतिम संस्कार से पूर्व रुकवाया। उनके पुत्र का आरोप उनके पिता की हुई है हत्या। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के गमरिया लाल बिल्डिंग निवासी है रामजी प्रसाद। रामजी प्रसाद के पुत्र का आरोप जायदाद हड़पने के चक्कर में उनकी सौतेली माँ और बहन ने की है हत्या। आदित्यपुर पुलिस पहुंची पार्वती घाट, शव को पार्वती घाट से अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। मृतक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान है। और सरायकेला खरसवा जिला के नगर पंचायत के 15 योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम को भाजपा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का ढकोसला बताया। सरकार के लोग ही अपने बनाए हुए COVID-19 गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। सरायकेला टाउन हॉल में शनिवार को हुए भारतीय जनता पार्टी ने सरकार द्वारा बनाए गए COVID-19 गाइडलाइन का उल्लंघन बताया है।
इस संबंध में सरायकेला सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजयुमो के जिला अध्यक्ष अभिषेक आचार्य एवं भाजपा के मीडिया प्रभारी सोहन सिंह ने कहा कि जब सारे कार्यों का टेंडर होकर कार्य प्रगति पर है, ऐसे में राजस्व का रोना रो रहे नगर पंचायत द्वारा लाखों खर्च कर तामझाम के साथ उन्हीं सभी योजनाओं का शिलान्यास करवाया जाना सिर्फ ढकोसला है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर का संकट काल जिले में भी जारी है और सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 गाइडलाइन जारी किया गया है और शिलान्यास समारोह आयोजित कर भारी भीड़ भाड़ के साथ स्वयं ही कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसे कृत्य की कड़ी निंदा करती है, जहां सत्ताधारी दल झामुमो के लोग एक और सैकड़ों की संख्या में पिकनिक मना रहे हैं, वहां भाजपा कार्यकर्ताओं पर कोविड-19 गाइडलाइन के तहत कार्रवाई की जा रही है। किस तरह से कार्यक्रम आयोजन हुआ और किस तरह से ये खुलेआम कोरोना का प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, जहां इनके कार्यकर्ता विगत दिनों 300 कार्यकर्ता का चांडिल में सम्मेलन करते हैं, उन पे एफआईआर नहीं होती है। आज प्रशासन एक मुखदर्शक का काम कर रही है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सरायकेला को मिली 1.83 करोड़ की योजनाओं की सौगात, मंत्री चंपाई सोरेन ने किया योजनाओं का शिलान्यास। शहर के अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 घायल, दोनों घायलों की स्थिति गंभीर। शेखपुरा एसीबी का सरायकेला के ईचा चलियाम स्वर्णरेखा परियोजना में छापा, 25,000 रूपए घूस लेते कैशियर गिरफ्तार। केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा नए अंदाज में आए नजर, शाम के भक्ति में लीन भजन को खुद गाया, चौपाइया भी की पेश। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज के पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।